Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com. लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का छठवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तेज सिंह चंद्रकांता और चपला का पता लगाने के लिए कुंवर बीरेंद्र सिंह से विदा हो फौज की छावनी के बाहर आए और सोचने लगे कि अब किधर जाएं कहां ढूंढें दुश्मन की फौज में देखने की तो कोई जरूरत नहीं क्योंकि वहां चंद्रकांता को कभी नहीं रखा होगा इससे चुनार ही चलना ठीक है ये सोचकर चुनार ही की तरफ रवाना हुए और दूसरे दिन सवेरे वहां पहुंचे सूरत बदलकर इधर उधर घूमने लगे जगह जगह पर अटकते और अपना मतलब निकालने की फिक्र करते थे मगर कुछ फायदा न हुआ कुमारी की खबर कुछ भी ना मालूम हुई रात को तेज सिंह सूरत बदल किले के अंदर घुस गए और इधर उधर ढूंढने लगे घूमते घूमते मौका पाकर वे एक काले कपड़े से अपने बदन को ढांक कमंद फेंक महल पर चढ़ गए इस समय आधी रात जा चुकी थी छत पर से तेज सिंह ने झाँक कर देखा तो सन्नाटा मालूम पड़ा मगर रोशनी खूब हो रही थी तेज सिंह नीचे उतरे और एक दालान में खड़े होकर देखने लगे सामने एक बड़ा कमरा था जो कि बहुत खूबसूरती के साथ बेशकीमती असबाबों और तस्वीरों से सजा हुआ था रोशनी ज़्यादा न थी सिर्फ़ दो शमादान जल रहे थे बीच में ऊंची मसनत पर एक औरत सो रही थी चारों तरफ उसके कई औरतें भी फर्श पर पड़ी हुई थीं तेज सिंह आगे बढ़े और एक एक करके रोशनी बुझाने लगे यहाँ तक कि उस कमरे में सिर्फ एक रोशनी रह गई और सब बुझ गई अब तेज सिंह उस कमरे की तरफ बढ़े दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो पास से वो सूरत बखूबी दिखाई देने लगी जिसको दूर से देखा था तमाम बदन शबनमी से ढका हुआ मगर खूबसूरत चेहरा खुला था करवट के सबब कुछ हिस्सा मुंह का नीचे के मखमली तकिये पर होने से छिपा हुआ था गोरा रंग गालों पर सुर्खी जिस पर एक लट खुलकर आ पड़ी थी जो बहुत ही भली मालूम होती थी आंख के पास शायद किसी जख्म का घाव था मगर यह भी भला मालूम होता था तेज सिंह को यकीन हो गया कि बेशक महाराज शिवदत्त की रानी यही है कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपने बटुए में से कलम दवात और एक टुकड़ा कागज का निकाला और जल्दी से उस पर ये लिखा ना मालूम क्यों इस वक्त मेरा जी चंद्रकांता से मिलने को चाहता है जो हो मैं तो उससे मिलने जाती हूँ रास्ते और ठिकाने का पता मुझे लग चुका है बाद इसके पलंग के पास जा बेहोशी का बूरा रानी की नाक के पास ले गए जो सांस लेती दफ़े उसके दिमाग पर चढ़ गया और वो एकदम से बेहोश हो गई तेज सिंह ने नाक पर हाथ रखकर देखा बेहोशी की सांस चल रही थी झट रानी को तो कपड़े में बांधा और पुर्जा जो लिखा था वो तकिए के नीचे रख वहां से उसी कमंद के जरिए से बाहर हुए और गंगा किनारे वाली खिड़की जो भीतर से बंद थी खोलकर तेजी के साथ पहाड़ी की तरफ निकल गए बहुत दूर जाए एक दर्रे में रानी को और ज्यादा बेहोश करके रख दिया और फिर लौटकर किले के दरवाजे पर आ एक तरफ किनारे छिपकर बैठ गए अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का छठवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में